हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सप्तमी मेकअप लुक, और मैंने स्टार्ट की है दुर्गा पूजा सीरीज़, जैसा कि आपको पता होगा। और आज ये मेरा सेकंड लुक है। तो स्किन केयर कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और स्किन केयर करने के बाद में मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ प्राइमर। और अभी होने वाली यहाँ बारिश, सो मैं यहाँ पर प्राइमर लगा रही हूँ। और प्राइमर मैंने यूज़ किया इनसाइड कॉस्मेटिक का, जैसे कि अभी आपने देखा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने आई मेकअप से। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लगा लिया है कंसीलर, क्योंकि मैं यहाँ पे स्मोकी आई करने वाली हूँ। सो मैंने यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर लिया, जिससे कि जो मेरा ब्लैक कलर है और जो भी कलर मैं अप्लाई करूँ वो अच्छे से पॉप अप हो करके आए, इसके लिए मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं एक डार्क ब्राउन कलर को लेकर के मैंने उसको अपनी क्रीज पर अप्लाई किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर को लेकर के अपने लिप पर अप्लाई किया है। थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ये वाला प्रोडक्ट लीजिएगा, मतलब ब्लैक वाला, क्योंकि फैल जाता है। तो वो करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लाइनर, और बहुत ज़्यादा थिक नहीं, बहुत ज़्यादा थिन नहीं, मतलब मीडियम लाइनर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। नाउ अब हम अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लेंगे, और आईब्रोज़ को मैंने आईब्रो पाउडर से नहीं बल्कि आई शेडो से, ब्लैक आई शेडो के साथ में फिल किया है। आपके पास में अगर कोई स्पेशल प्रोडक्ट नहीं है आईब्रोज़ के लिए, तो आप अपने ब्लैक आई शेडो के साथ में अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर सकते हो। नाउ मैंने यहाँ पर लगाया है मस्कारा, और मस्कारा अप्लाई किया है मैंने हिलेरी रोडा का। तो इसको मैंने अप्लाई किया, और अब मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ फाउंडेशन। फिटमी का फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मतलब सभी फाउंडेशन से सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे फिटमी का ही फाउंडेशन लगता है, क्योंकि ये अच्छा, एक तो अच्छी कवरेज देता है और साथ साथ में अफोर्डेबल भी है। उसके बाद में मैं यहाँ पर अंडर आइज़ में यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, और हाईलाइट वाला जो भी एरिया है वहाँ पे मैं कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ। और अगर आपको बैकग्राउंड से कुछ वॉइस आ रही हो या नॉइज़ आ रही हो, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यस, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है ब्रश के साथ में, और अब हम इसको थोड़ा सा सेट करेंगे अपने कंसीलर को। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये इनसाइट का पाउडर, और इसको मैं सेट कर रही हूँ स्मॉल ब्रश के साथ में। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं ब्लश, और ब्लश के लिए हमने यहाँ पे लिया है ये अपना स्विस ब्यूटी वाला पैलेट, और पिंक ब्लश को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। और स्माइल करके हम यहाँ पे ब्लश अप्लाई करेंगे। उसके बाद में मैं यहाँ पे कंटूर पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये डेजलर का, और ये बहुत ही अच्छा है, मतलब इस तो इसका शेड अच्छा है, दूसरा ये अफोर्डेबल भी बहुत ज़्यादा है, तो आप भी इसको अफोर्ड कर सकते हो। तो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ स्मॉल ब्रश के साथ में। नाउ हाईलाइटर की बारी आती है, तो अब इसी पैलेट से मैं हाईलाइटर भी ले रही हूँ। तो हाईलाइटर लगा लिया है मैंने यहाँ पर, और जहाँ जहाँ भी आपको नीड हो हाइलाइटर की, आप वहाँ पे इसको अप्लाई कर लेना। तो आईज़ मुझे थोड़ी सी सिंपल लग रही थी, तो इसके लिए मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का ही काजल। अब मैं यहाँ पे ये दो कलर यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक के लिए, एक तो है मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था, दूसरा है ये NYB का। तो ये कलर दोनों मिलाकर के एक बहुत ही अच्छा सा न्यूड कलर बन जाता है, तो इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो अगर आपके पास भी कोई एक सिंगल लिपस्टिक अच्छा लुक नहीं देती है, तो आप उसको दो लिपस्टिक मिलाकर भी लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा सा लुक आ जाएगा। सो नाउ यहाँ पे मेरा लुक जो है ये कंप्लीट है। आप इसको सप्तमी मेकअप में अच्छे से कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलती है नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कल फिर से एक नया लुक आने वाला है, तो वेट कीजिएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, एंड अपना बहुत सारा सा ध्यान रखिएगा, एंड हाँ, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।